आज आप असम का तरफ देखिए, हम 3 साल पहले मुख्यमंत्री बना, जब मैंने मुख्यमंत्री बना 1 महीना में मोदी जी मुझको दिल्ली बुलाया। मोदी जी ने बोला देखो असम में बहुत साल इंसर्जेंसी रहा, मिलिटेंसी रहा, अभी अच्छा समय आया, तुम 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करो। पहले थोड़ा मैं भी डर गया था, थर्ड गेट, फोर्थ गेट, टीचर, मजिस्ट्रेट, मैंने ढूंढ ढूंढ के 1 लाख पोस्ट निकाला। सरकार का पहला वर्ष में ही मैंने 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। एक कोर्ट केस नहीं हुआ, एक कोर्ट केस नहीं हुआ, एक रिश्वत का मामला नहीं आया। आप गूगल करके देखिए, 1 लाख युवाओं को नौकरी मिला। अभी हमने दोबारा 50,000 पोस्ट का एडवर्टाइज निकाला, लेकिन इसका कोई श्रेय मुझ में नहीं आते हैं। इसका कारण एक ही है, जहां जहां भी मोदी जी का डबल इंजन सरकार है वही प्रगति हो रहा है, वही तरक्की हो रहा है। इसीलिए मैं कदरमा का लोगों को बोलना चाहूंगा कि अन्नपूर्णा देवी को तो जिताना एक काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम है 6 महीना का बाद झारखंड में हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। यह सबसे हमारा बड़ा काम है। झारखंड का युवाओं को हमें न्याय देना है, झारखंड का गरीबों को हमें न्याय देना है, और इसलिए हमें डबल इंजन सरकार चाहिए। हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए जिसका सरकार का सांसदों का घर से 300 करोड़ का बरामद होता है। हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए, हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो सरकार का मुख्यमंत्री खुद जेल चला जाते हैं। ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा सरकार चाहिए जो गरीब के लिए काम करता है। हमें ऐसा सरकार चाहिए जो मेरा माताओं के लिए काम करता है, मेरा बहनों के लिए काम करता है। भाई और बहनों, आज आप लोग देखिए पूरा देश में कांग्रेस क्या कर रहा है। हमारा संविधान जब बना था, बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया था। संविधान में क्या लिखा गया था कि हमारा देश में आरक्षण शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, आरक्षण शेड्यूल ट्राइब को मिलेगा, आरक्षण ओबीसी को मिलेगा। लेकिन कहीं में बाबा साहेब ने यह लिख के नहीं किया कि आरक्षण हिंदू को मिलेगा, आरक्षण क्रिश्चियनों को मिलेगा, ईसाई को मिलेगा, आरक्षण मुसलमानों को मिलेगा। किसको आरक्षण मिलेगा? शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को। लेकिन आज हमारा देश में क्या हो रहा है? कर्नाटक ने कांग्रेस ने सरकार का निर्माण किया, 7 साथों में ओबीसी का 27% रिजर्वेशन से 4% उन्होंने कम किया और मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ओबीसी का रिजर्वेशन घटा के वो लोग आज क्या कर रहा है? आज मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहा है। तुष्टीकरण का राजनीति, आज तुष्टीकरण का राजनीति का कारण धीरे धीरे ये लोग जो आरक्षण है जातियों का आधार का जगह में वो लोग धर्म का आधार बनाना चाहते हैं। ये मुसलमान समुदाय को आरक्षण देना चाहते हैं। हमारा आपत्ति नहीं है, अब हिंदू हो मुसलमान हो, इकोनॉमिक जो हमारा है बैकवर्ड है उनका नाम में आप आरक्षण दीजिए, लेकिन धर्म का आधार में आप आरक्षण नहीं दे सकता है। लेकिन आज कांग्रेस क्या कर रहा है? धर्म का आधार में आरक्षण दे रहा है। मोदी जी बार बार बोल रहा है कि मुझे 400 सीट चाहिए, मैं धर्म का आधार में जो आरक्षण है मैं उसको बंद करना चाहता हूं और शेड्यूल का शेड्यूल टाइप ओबीसी को मैं न्याय दिलाना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज झारखंड में क्या हो रहा है? घुसपैठी आ रहा है, आदिवासी बेटियों को फरका के शादी कर रहा है, और ये घुसपैठी, ये मुसलमान घुसपैठिया दोबारा
झारखंड का नागरिक बन के झारखंड का जमीन हड़पने का काम कर रहा है। आज कोई जगह में ये लोग मूल निवासी भी बनने का सपना देख रहा है। मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, 40 साल पहले जब असम में पहले घुसपैठ आया था, हमारा लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, सोचा 1000 आया है, 2000 आया है, 5000 आया है, हमें क्या कर लेगा। लेकिन आज असम में घुसपैठियों का संख्या बढ़ के हमारा टोटल पॉपुलेशन का 36% हो चुका है। एक बार एक जगह मिला, हजार लाख बना, लाख जाके करोड़ बना। आज हम लोग हर दिन हमारा अस्तित्व का लड़ाई लड़ता हूं। झारखंड में शुरुआत हुआ है, कांग्रेसियों जेएमएम ने इसको शुरुआत करवाया है, हमें इसको बंद करना चाहिए। एक बार देश में घुसपैठी आ गया ना, ये प्रदेश को सर्वनाश होने से खाली 20 साल का जरूरत होता है। 20 साल का बाद आप लोग को देखेगा कि कैसे डेमोग्राफी का चेंजेज होता है, कैसे जनसंख्या का परिवर्तन होते हैं। मैं झारखंड का भाइयों और बहनों को मैं बताना चाहता हूं, हम लोग पीड़ित है। आज हमारा असम में 12 जिले में हम लोग माइनॉरिटीज है। आज झारखंड को हमें वो रास्ता में जाने नहीं देना है। आज हमारा देश में और कोई कुछ काम करना है। आज लोग पूछते हैं मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए, आप हमें बताइए, एक पति को तीन चार शादी करने का अनुमति होना चाहिए क्या, अनुमति होना चाहिए क्या। आज आप देखिए, हमारा हिंदुओं ने कभी हमारा देश का कानून का सम्मान किया और हमारा जो पर्सनल लॉ था वो लॉ को हमने अमेंड किया और हमारा कानून का अनुसार हमने हमारा पर्सनल लॉ को बनाया। लेकिन आज हमारा मुसलमान समाज में क्या हो रहा है, एक पति है उनको 4 शादियां करने का अनुमति है। आप लोग सोच सकता है, एक मुसलमान माँ एक मुसलमान बहनों का दिल में क्या गुजरता है जब अपना पति पहला 2 का बीबी लेके आता है, फिर 3 का बीबी लेके आता है, फिर 4 का बीबी लेके आते हैं। मैं असम में मुसलमानों का बीच जाके बोलता हूँ, भैया ये 3-4 शादी करने का दुकान बंद करो, ये बहुत ज्यादा हो चुका है, इसको बंद करो। थोड़ा हमारा असम में कम भी हुआ है। अभी मैं ऐसे मुसलमानों का बीच जाता हूँ, पूरा बीच में घुस जाता हूँ और पकड़ के बोलता हूँ, देखो ये बहन को शादी कर रहा है और दूसरा शादी करने का कोशिश करेगा तो प्यार से तुम्हारा टांग भी मैं तोड़ूंगा, तुम दूसरा शादी मत करना। हम ऐसे ही लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन मोदी जी ने उत्तराखंड में कानून बनाया कि हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू होगा। 400 सीट हमें क्यों चाहिए, हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए, हमारा देश में भी यूसीसी होना चाहिए और इसलिए हमारा देश को मोदी जी को ताकत देना है। भाइयों और बहनों, हमारा मुसलमान समाज में मदरसा शिक्षा होता है, मदरसा शिक्षा से क्या होता है, मुल्ला बनता है। लेकिन हमारा देश को मुल्ला का जरूरत है कि डॉक्टर इंजीनियर का जरूरत है, आप बताइए किसका जरूरत है, मुल्ला का जरूरत है कि डॉक्टर इंजीनियर का जरूरत है। तो मदरसा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देश में मदरसा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप लोग देखिए, एक मोदी जी को 400 सीट दीजिए, कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा, ज्ञान वापी में मंदिर भी बनेगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत में आएगा, हमारा देश में यूसीसी भी बनेगा और मदरसा शिक्षा का जगह में आधुनिक शिक्षा भी हमारा देश में उपलब्ध हो। भाई और बहनों, लोग बोलता है बीजेपी धर्म का राजनीति करता है, हमारा ये धर्म का राजनीति नहीं है। मुसलमान महिलाओं को तलाक से बसाना
ये धर्म का राजनीति नहीं होता, इसको सामाजिक न्याय बोलता है। मुसलमान महिलाओं को पति का उत्पीड़न से बचाना ये कोई धर्म का राजनीति नहीं होता है, इसका नाम सामाजिक न्याय होता है। ये कांग्रेस का दिमाग में हम लोगों को घुसवाना पड़ेगा। आज आप देखिए हमारा देश का इतना हालत हो गया, हम लोग को सब होते हुए आलमगीर आलम का घर में ही रुपया नगद मिलता है। आपका घर में है 300 रुपया, आपका घर में है कोई राम का घर में 300 रुपया है, कोई केदार का घर में 300 रुपया है, कोई अन्नपूर्णा का घर में 300 रुपया है। आप देखिए आलम का घर में आज 300 रुपया, आपने खोला आम से देखा हुआ है भाई, 300 रुपया वहां में पड़ा हुआ है। अगर हमारा देश में एक आलम का घर में 30-35 रुपया पड़ा हुआ है, देश में इतना कट्टा आलमगीर आलम होगा जिसका घर में अभी भी 100-1000 रुपया पड़ा हुआ है। ये सब वहां से उठा के ला के गरीब को देना चाहिए कि नहीं चाहिए? वहां से पैसा ला के प्रधानमंत्री आवास योजना में खर्चा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जल जीवन मिशन में खर्चा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? सेंट्रल स्कूल बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? अमृत रेलवे स्टेशन बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमारा मोदी जी वही काम कर रहा है। कांग्रेस लोग नाराज हो जाता है, भाई ईडी और सीबीआई को क्यों भेजते हैं? अगर ईडी और सीबीआई को नहीं भेजूंगा तो आलमगीर आलम का घर से 100 करोड़ कैसे हम लोग निकाल के गरीब को दे पाऊंगा? हमको गरीब को देना है कि नहीं पैसा? आप बोलिए पैसा आलमगीर का घर में रहना चाहिए कि गरीब का आवास बनना चाहिए? बोलिए क्या होना चाहिए? तो इसीलिए हमें ईडी और सीबीआई का जरूरत है। कोई लोग बोलता है ईडी और सीबीआई बीजेपी का दोस्त है, ईडी और सीबीआई बीजेपी का दोस्त नहीं है, ये गरीब का दोस्त है। गरीब को करप्ट लोगों का घर से पैसा निकाल के गरीब का आवास बनाने के लिए पैसा देने का काम ईडी और सीबीआई करता है। इसीलिए ईडी और सीबीआई गरीब का दोस्त है और इसीलिए हमें ईडी और सीबीआई भी चाहिए। कांग्रेस लोग नाराज हो जाएगा, लेकिन मैं राहुल बाबा को बोलना चाहूंगा कि राहुल बाबा आप देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अगर प्रधानमंत्री बनने का आपका मन में इतना ही इच्छा है, मैं आपको पाकिस्तान का वीसा पासपोर्ट बना देता हूं, वहां जाके आप प्रधानमंत्री बन जाइए। आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री था भूपेश बघेल, रायबरेली में बोल रहे थे कि राहुल जी को वोट दीजिए और प्रधानमंत्री बनेगा। एक पत्रकार ने मुझको पूछा क्या भूपेश बघेल जी बोल रहा है राहुल प्रधानमंत्री बनेगा? मैं बोला ये बुजुर्ग आदमी है, जब बोलेगा बन रहा है मतलब बन ही रहा है, लेकिन भारत का पीएम का पोस्ट तो बुकिंग है मोदी जी के लिए, तो पाकिस्तान में ही बनना पड़ेगा। तो ये साल जून चुनाव का बाद मैं राहुल बाबा को पूछने वाला हूँ, भाई प्रधानमंत्री बनने का तमन्ना है क्या? अगर ना बोल दिया तो ठीक है, लेकिन हाँ बोलेगा तो उसको पाकिस्तान का टिकट में भेजवा दूंगा, जाके वहां जरूर आप प्रधानमंत्री बन जाइए। भाई और बहनों, कादरमा के लिए अन्नपूर्णा जी ने बहुत कुछ किया है, खाली कादरमा के लिए नहीं किया है, हमारा देश का शिक्षा मंत्री होने का नाते पूरा देश का शिक्षा का विकास के लिए अन्नपूर्णा देवी जी ने काम किया। हर जिले में आसाम को भी सेंट्रल स्कूल मिले, पीएम श्री का स्कूल मिले, और हमारा आसाम में चुनाव का थोड़ा दिन पहले में ही आईआईएम का भी स्वीकृति अन्नपूर्णा देवी जी धर्मेंद्र प्रधान जी ने दे चुका था। तो ये जो व्यक्ति है अन्नपूर्णा देवी जी, खाली कदरमा का ही गौरव नहीं है, खाली झारखंड का ही गौरव नहीं है, पूरा भारत का गौरव है। और आप लोगों को अन्नपूर्णा देवी को भारी बहुमत से जिता के आप लोग को अन्नपूर्णा जी को दिल्ली भेजना है। भेजना है कि नहीं? सबको भेजना है कि नहीं? कोई देश में कम्युनिस्ट का सरकार होते हैं क्या?
कोई देश में कम्युनिस्ट है क्या आज का दिन में भी? जब केदार जी ने मुझको बोला कि यहाँ में कॉन्टेस्ट कम्युनिस्ट का साथ है, तो मेरा दिमाग में एक ही बात आया कि सामने गोल पोस्ट में कोई गोलकीपर नहीं है, जितना है आप गोल डालते रहो, मतलब जितना खुशी है इतना गोल डालते रहो, अन्नपूर्णा जी पूरा देश में ही रिकॉर्ड करके जीत जाएगा। आप लोग को मैं पहले अभिनंदन देता हूँ, आप लोग 20 तारीख का चुनाव में अन्नपूर्णा जी को भारी बहुमत से जिताइए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, लेकिन ऐसे नहीं 700 सीट पार करके। कितना सीट पार करके बनाना है? ये 700 सब सुनने से कांग्रेस का नींद हराम हो जाता है और उससे मेरा मजा आते हैं। किसने 399 बोलने से वो लोग हजम कर लेते हैं, चलो चलो 399, लेकिन 700 सुनने से ही वो लोगों का नींद खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है 700 पार करके, ठीक है ना? बनाना है कि नहीं? पूरा बनाना है ना? तो मेरा सब बोलिए भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, जय हिंद, वंदे मातरम।